बैठाई जाए, बद्रीनाथ केदारनाथ की जो महिमा है उसको महिमा बना रहने दिया जाए, उसके साथ विश्वासघात न किया जाए। और साथ ही यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनके रहने की सुविधा, यात्रियों की सुविधा, जो तीर्थ हित है, यात्री हित है, आम जो कर्मचारी हित है, यहाँ का जो व्यवसायी है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित है, उनके अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम सरकार के ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को अगर बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। ये सरकार बिल्कुल खुली चुनौती हमारी। यहाँ का DM सुन ले, यहाँ का कोई अधिकारी सुन ले, मैं जो भी बात कहता हूँ मैं दावे के साथ कहता हूँ और कहीं मैं गलत नहीं कहता हूँ। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मेरी बात को सुन रहा है, मैं टेबल टॉक करने के लिए उसके साथ तैयार हूँ। आपने केदारनाथ में करोड़ों का घोटाला किया है, उसकी एक एक पाई का हिसाब इस केदारनाथ के माध्यम से आपको देना पड़ेगा। यहाँ के रक्षक भैरवनाथ जी हैं, वो आपसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। आप इस बात को धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।